हरे कृष्णा। तो आज जो है चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है। ये जो है 29 जून आषाढ़ शुक्ल पक्ष के जो देव शयनी एकादशी से लेकर के ये जो चलता है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के देव उत्थान एकादशी तक, ये जो तिथि है 29 जून से लेकर के 23 नवंबर तक। लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार जो है यह तिथि 3 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक करते हैं। दोनों में से आप कोई भी तिथि का पालन करेंगे आपको सेम फल प्राप्त होगा। ये जो चातुर्मास में क्या क्या वर्जित किया गया है, तो सावन में हम लोग हरी पत्तीदार सब्जियां नहीं खाते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। और भादों में दही, तो दही में जो बैक्टीरिया होता है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों गुना अरबों गुना ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आसिन में दूध, जो ये जो बरसात के समय में जो घास उत्पन्न होता है जिससे गायें चरती है, तो वो घास खाने से दूध में वो नुकसानदायक गुण आ जाता है, इस वजह से दूध भी हम लोगों को नहीं पीना चाहिए। और कार्तिक में उड़द का दाल, इससे पितृ दोष लगता है। तो ये चार चीज़ें का जो है हम लोग वर्जित किया गया है। चतुर्मास में भगवान जो है योग निद्रा में पाताल लोक में चले जाते हैं। इसका पौराणिक कथा के अनुसार जो है पुराणों में कथा आता है कि महाराज बलि जब तीनों लोक पे कब्जा किए, तो इंद्र जो है गए भगवान विष्णु के पास वापस करने के लिए, बोलने के लिए। तो विष्णु जी गए और तीन पग भूमि वामन अवतार लेकर के मांगे और पूरे नाप दिए। इसके बाद जो है बलि इतना बड़ा दानी को देख करके, भगवान प्रसन्न होते हैं दयालुता को देख करके, बोलते हैं एक वर मांगो। तो बोलते भगवान आप जो है मेरे साथ चलिए पाताल लोक। तो भगवान जो है चार महीने के लिए बलि महाराज के साथ रहने के लिए चले जाते हैं। और भी मान्यताएं बहुत सारी है। लक्ष्मी जी जो है बोलती है कि आप तो हमेशा भक्तों के लिए असुरों के लिए कार्य करते रहते हैं, और जो है आप थकते नहीं हैं, सोते हैं तो पूरा करोड़ों करोड़ साल सो जाते हैं, जगते हैं तो करोड़ों करोड़ अरबों साल जगते रहते हैं, तो इसलिए आप रेस्ट करिए। तो भगवान जो है देवी लक्ष्मी की बात मान करके और जो है भगवान आराम करने चले जाते हैं। तो ये चातुर्मास में करना क्या चाहिए, चातुर्मास में जो है हम लोग कर सकते हैं जो है भगवान का भक्ति जितना ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए जो है, और करना क्या नहीं चाहिए। तो धार्मिक अनुष्ठान, शादी विवाह मुंडन इत्यादि जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो मना ही किया गया है। और जो है ये चीज़ें हम लोग व्रत का पालन, उपवास, तीर्थों का दर्शन, नदी स्नान, ये सब इत्यादि। और कहते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार शिव जी बताते हैं कि जो है कोई भी अगर व्यक्ति चातुर्मास का पालन करता है तो उसे हजारों हजार जो है अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो सोच सकते हैं कि इसमें जो है ये चार महीने में आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि एक अपने कोई फेवरेट चीज़ का त्याग कर सकते हैं। हो सकता है किसी का खाने पीने का हो, या कुछ ज़्यादा सोते हो, या किसी को स्वीट्स ज़्यादा पसंद है, मटर पनीर, छोला भटूरा, पालक पनीर, कुछ भी हो सकता है। तो ये अपना जो है फेवरेट चीज़ का त्याग करके, और जब जिस समय चातुर्मास ख़त्म हो तो उसके पारण में भगवान को भोग लगा करके जो है हम वो चीज़ें को प्राप्त कर पा सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो इस तरह, और कोशिश करना चाहिए कि कोई मंथ में जो है चारों महीने ऐसे प्रयास करना चाहिए, ज़मीन में कोई चीज़ें बिछा करके कम गद्देदार हो वहाँ पर सोना चाहिए।